हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टिंग सिस्टम पूरा फिनिश कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको कार्डियक साइकिल और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि ब्लड की पंपिंग कैसे होती है, हार्ट के अंदर कैसे ब्लड फ्लो करता है, कि एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे जाता है, फिर क्या प्रोसेस होता है कि वेंट्रिकल से फिर एरोटा में जाता है और फिर पूरी बॉडी में जाता है, या राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में कैसे जाता है, ये पूरा हम समझेंगे। तो चलिए, इसको एक साइकिल है, बोलते कार्डियक साइकिल है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप इसको आराम से समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए और अच्छे से समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। आप पेशेंस रख करके आराम से देखिए, बहुत इजी वे में समझेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मुझको भी कोई दिक्कत ना समझाने में। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होता है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर ही आकर ख़त्म होगा, यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ पर। फर्स्टली हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सभी फिगर सेम है, आपको मैं पहले समझा देती हूँ कि फिगर में क्या क्या है। जो ये है, ये एरोटा है, ये हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ये ऊपर बॉक्स हैं, ये ऊपर वाले लेफ्ट एट्रियम है और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे हमारा प्योर ब्लड होता है। आपको पता होगा कि अब ये जो हमारा ब्लड आया है, ये पल्मोनरी वेन से आकर के लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर आगे हम इसका पूरा साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी को जब आप दोगुना कर देंगे, मतलब दोगुना का मतलब राइट साइड वाला भी ले लेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कि हार्ट का चैम्बर। लेकिन अभी हमको समझने के लिए केवल एक पोर्शन समझना होगा, क्योंकि जो एक पोर्शन में काम होता है, वही सेम दूसरे पोर्शन में होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ब्लड होता है, वो लेफ्ट एट्रियम में फिल होता रहता है। किससे फिल होता रहता है? पल्मोनरी वेन से, क्योंकि पल्मोनरी वेन से ही ब्लड, वो प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और फिर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और ये बीच में जो हमारा ये बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल है, वॉल्व है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो ग्रीन साइन है, जहाँ जहाँ पे ग्रीन साइन है, इसका मतलब है, ग्रीन इस केस से इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि सिकुड़ रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड तभी तो इसमें से गिरेगा। तो मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को जब उसको ऐसे दबाते हैं, तभी उसमें से स्क्वीज होकर के ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसमें आएगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से लगभग 80% ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ये पहला फिगर यही है कि हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना 80% ब्लड आ जाता है। और इस स्टेज में हमने क्या किया है, केवल हमने लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए इस स्टेज का नाम होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में है कि अब यहाँ से ब्लड आ चुका है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ गया है, और ये देखिए यहाँ पे वॉल्व खुला हुआ है, फिर यहाँ पे वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, अब इसमें ब्लड आ चुका है, ठीक है। वो जब ब्लड इसमें आ गया है, अब इसको यहाँ से जाना है, मतलब कि ब्लड इसमें आ गया है, किसमें, मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको एरोटा में जाना है, ताकि फिर ये पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो सके। तो जब यहाँ पर जाएगा, तो अब इसको धीरे धीरे प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाने का मतलब कि इसको धीरे धीरे इसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो मतलब अभी ये, मतलब अभी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, लेकिन ये मूड बना रहा है। मूड बनाने का मतलब कि अब ये धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर 80% आ गया था, तो अब ये जो यहाँ पर रिमेनिंग 20% है, ये जो यहाँ पे रिमेनिंग 20% है, वो भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 80% ब्लड था, इसने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 80% ब्लड इजिली आ जाएगा, ठीक है। जो 20% रह जाएगा, वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आ जाएगा। तो इस स्टेज को कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से पूरा ब्लड आ चुका है, ठीक है, क्योंकि जैसे किसी भी वॉल्व है, वो सपोज नल ही होता है, नल को जब हम सीधे डायरेक्ट उसको खोलते हैं, तो उसमें से जितना पानी भरा होता है वो सीधे आ जाता है। फिर हम उसको मतलब और टाइटली जब खोलते हैं, तो जब किसी भी चीज़ को जब स्क्वीज करते हैं, तो रिमेनिंग जितना भी चीज़ें होती हैं, पानी होता है, वो आ जाता है। तो ऐसे जैसे वॉल्व खुलेगा, तुरंत धड़धड़ाते हुए 80% गिर जाएगा। फिर जब वो स्क्वीज होगा, या मतलब वो सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिमेनिंग 20% आ जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं, इसमें से सबको सारा ब्लड इसमें आ चुका है, किसमें, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। सारा ब्लड आ चुका है,
गए हैं, अब ये धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, अभी बढ़ाया नहीं बस धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ा रहा है कि अब मुझे प्रेशर बढ़ाना है तभी एरोटा में जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना बढ़ा, 0 से 5 हुआ, 5 से 80 हुआ, और अभी मतलब इसने बिल्कुल प्रेशर बना करके बिल्कुल ब्लड को फ्लो आउट बाहर को नहीं कर दिया है, धीरे धीरे करेगा, और अभी बस मूड में है कि हाँ तैयारी कर रहा है कि मेरा ब्लड फुल हो गया मैं करूँगा, इसीलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि वेंट्रिकल में हो रहा है, तो वेंट्रिकल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये भी इसने किया नहीं है, लेकिन धीरे 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 मूड में आ रहा है। तो 0 से 5 प्रेशर किया, 5 से 80, और एरोटा का भी जो प्रेशर है वो 80 होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है, तभी इसलिए जो हमारा बीपी होता है, बीपी क्या होता है, 120/80 mmHg होता है, ये आपको पता होगा। तो उसी तरीके से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे 80 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 5 हुआ, 5 से 80 हुआ, ठीक है। उसके बाद अब इसका भी एरोटा का पहले से 80 है, तो अब धीरे धीरे दोनों का जब सेम हो गया है तो ब्लड फ्लो होगा, नहीं होगा, एरोटा से ज़्यादा जब इसका वो प्रेशर होगा तभी वो यहाँ से निकल पाएगा, ठीक है। तो अब इस स्टेज में आएंगे, ये है 0 से 5 हुआ, 5 से 80 हुआ, 80 से जब 120 होगा, जब 120 होगा तो यहाँ से एरोटा में जाएगा, ठीक है। जब ये एरोटा से जाएगा, जब यहाँ से 120 इसका प्रेशर है, जब ये एरोटा में जाएगा तो इसका भी 120 प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो आउट हो जाएगा और बहुत स्पीड से फ्लो आउट होगा। और जब ये यहाँ से फ्लो आउट होता है तो एरोटा देखिए यहाँ पे पतली सी एरोटा बनी थी, लेकिन यहाँ पे एरोटा का साइज़ बिग हो गया, यहाँ पे वॉल्व इसका एरोटा का बंद है लेकिन यहाँ पे इसका एरोटा वॉल्व खुल गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जाएगा 120 की स्पीड से, तो यहाँ पे इसमें मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट में कार्डियक मसल्स होती है वो स्ट्रेचेबल होती हैं, ठीक है, तो वो चौड़ी हो जाएगी, जैसे यहाँ से बहेगा तो ऐसे पहले ऐसे रहेंगे, फिर उसके बाद धीरे से चौड़ी हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से चला जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, रैपिड का मतलब स्पीड, क्योंकि यहाँ पे 120 की स्पीड से जा रहा है, वेंट्रिकुलर का मतलब कि वेंट्रिकल, और इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना या बाहर करना, किसी भी चीज़ का जब बाहर फ्लो आउट होता है तो उसको इजेक्शन कहते हैं, और जो अंदर होता है मतलब या किसी भी चीज़ के अंदर होता है उसको इंजेक्शन कहते हैं। जैसे जब हम लोगों को इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है, इंजेक्शन लगा दो, सुई लगा दो, तो वो इन होता है, बॉडी के अंदर होता है, और जब किसी चीज़ को बाहर करते हो तो उसको इजेक्शन कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर से बाहर हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल से बाहर जा रही है, इसलिए इजेक्शन है, तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आप समझ गए होंगे इस स्टेज को, ठीक है। और ये यहाँ पे टैंक लाइक इसलिए बना है, अब यहाँ से ब्लड इसमें आ गया, लेकिन अब ये भी तो काम करता ही रहेगा, रुक थोड़ी ना जाएगा, तो यहाँ से इसमें से पल्मोनरी वेन से लंग से, मतलब लंग है लंग से पल्मोनरी वेन से यहाँ पे ब्लड धीरे 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 फिल होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आता है, अब 120 की स्पीड से ब्लड फ्लो आउट हो गया, उसके बाद अब इस स्टेज में है कि तेज से निकल गया, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे, अब ये वेंट्रिकल यहाँ पे जहाँ पे है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वो निकलेगा, तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये जब तेज से निकल गया उसके बाद इसने अपने प्रेशर को कम कर लिया, ये प्रेशर 120 तक पहुँच गया, तो इसने प्रेशर को 80 कर लिया, और फिर ये धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा जो ब्लड मतलब बाकी था वो धीरे धीरे निकलता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, स्लो का मतलब धीरे धीरे, वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल, इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना। तो यहाँ पे रैपिड था, यहाँ पे स्लोली, यहाँ पे रैपिड इसलिए था क्योंकि इसका प्रेशर 120 था। अब कोई भी इसकी सपोज आपका जो बलून होता है, जब बलून में हम लोग होली में पानी भर लेते हैं, जब उसको जब हम लोग ऐसे फोड़ते हैं तो जैसे जैसे सपोज उसमें एक होल कर लो, छेद कर लो सुई से, तो बहुत तेज स्पीड से ब्लड निकल मतलब वो वाटर निकलता है, लेकिन फिर जितना लास्ट में थोड़ा सा बच्चा होता है फिर वो धीरे 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 पास आउट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन और इसको बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, अब हमने इस स्टेज को समझ लिया, अब इसके आगे का क्या स्टेज है वो समझते हैं, ठीक है। अब ये जो ESV लिखा है, ESV को अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, अभी मतलब इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसका वैसे मतलब होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और अभी आप इसके ज़्यादा टेंशन मत कीजिए कि ये क्या है, बस ऐसा समझिए कि यहाँ से सारा ब्लड चला गया है एरोटा में और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, और ये वॉल्व बंद हो गया है, ठीक है। अब ये वॉल्व बंद है और यहाँ पे भी ये अभी वॉल्व बंद है, अभी ये यहाँ पे लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ से ब्लड आ रहा है, लंग्स में फिल हो रहा है, तो मतलब अभी ये भी इस मतलब आराम कर रहा है और ये भी आराम कर रहा है, ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन है ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों रिलैक्स के मूड में है, ठीक है। मूड का मतलब कि ये भी रिलैक्स कर रहा है, जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसमें गिरेगा, अब ये फिल नहीं हुआ है, धीरे 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 फिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी रिलैक्स है ये भी रिलैक्स है, इसीलिए इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है,
तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब कि ये दोनों अभी मतलब रिलैक्स कर रहे हैं, इसको आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेज में कुछ नहीं होता, दोनों रिलैक्स करते रहते हैं। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर अब ये धीरे धीरे फिल हो जाता है, ठीक है। यदि जब नीचे वेंट्रिकल में काम चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट रुक जाता है, मतलब लंग रुक जाता है और वो देखने लगता है हार्ट को कि तुम कैसे काम कर रहे हो, वो अपना काम करता रहता है। वो लंग्स जो CO2 ले लेता है और O2 दे देता है और ये ऐसे 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 धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है, फिल होता रहता है। तभी यहाँ पे लिखा था मैंने टैंक लाइक, ये टैंक लाइक का काम करते हैं कि जैसे ये खाली होते हैं ये धीरे 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 भरते रहते हैं और ये फिर इस काफ़ी धीरे जब इसमें भर जाते हैं, जब ये पूरा भर जाएगा, जब पूरा भर जाएगा इसमें प्रेशर बनेगा। जैसे ही प्रेशर बनता है ये जो क्या बाइक एस्पिड वॉल्व होता है ना, तो बाइक एस्पिड खुल जाएगा। जैसे ही पूरा भर जाएगा ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। इतने ही स्टेज आते आते ये फिल हो जाता है। जब पूरा फिल हो गया उसके बाद ये ओपन हो गया। ये जब ओपन होगा तो 80% ब्लड इसमें गिर जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे अभी ये ऐसे है, पूरा भर रहा है। जैसे ये भर जाएगा तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जब ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे खुल जाएगा। जब ऐसे खुल जाएगा तो सारा ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो 80% ब्लड इसमें आ गया, 80% ब्लड इसमें आ गया। तो इस स्टेज को कहते हैं रैपिड पैसिव फिलिंग। रैपिड का मतलब कि स्पीड में, पैसिव मतलब कि इसमें वेंट्रिकल ने थोड़ी ना कहा कि आओ तुम मुझे ब्लड दो मैं एरोटा को देता हूँ, नहीं, इसका काम ही है देना। ये देगा क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इसलिए इसने इस मतलब वेंट्रिकल को दिया। वेंट्रिकल का क्या है, तुम मत दो अपने पास रखो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं रखने की। जैसे तुम्हारा टैंक फुल होगा तुम्हारा मुंह अपने आप खुल जाएगा, तो ऐसे समझिए। जैसे इसका टैंक फुल हो जाता है अपने आप खुल जाता है। अपने आप का मतलब कि इसको कोई प्रेशर नहीं पड़ा, इसको कोई कुछ नहीं, इसको नहीं टेंशन है, भाई मैं तो आराम से बैठूंगा, तुम मेरे को दे दोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। तो भैया रैपिड का मतलब तेज से, पैसिव का मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा फिल होना, किसी दूसरे का मतलब कि लेफ्ट एट्रियम के द्वारा वेंट्रिकल की फिलिंग, और फिलिंग का मतलब फिलिंग की फिल होना, तो रैपिड पैसिव फिलिंग, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अब हमने कहा कि हमारा 80% ब्लड आ गया, ठीक है। अब आप ये समझिए, ठीक है, जो ESV का मतलब होता है एंड सिस्टोलिक वैल्यूम। एंड सिस्टोलिक वैल्यूम का मतलब कि सब, अब एक बात बताए, ये हमारा वेंट्रिकल है, ये भी हमारे बॉडी का पार्ट ही है, तो एक बात बताओ ये यहाँ से पूरा ब्लड आ गया, प्योरीफाइड ब्लड है, तो क्या सारा ब्लड एरोटा को दे देगा? उसको भी तो जिंदा रहना है, मतलब उसको भी तो काम करने के लिए खून की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, उसको भी तो खाना पानी चाहिए, तो उसको भी ब्लड चाहिए। इसलिए ये अपने पास मतलब थोड़ा सा एक दो बूंद, मतलब कि बहुत कम जरा सा रिमेनिंग थोड़ा सा ब्लड अपने आप अपने पास रख लेता है, पूरा दे देता है लेकिन जरा सा रख लेता है। जैसे कि कोई भी होता है कि मतलब पूरा नहीं दान कर देना, इतना मत दान कर दो कि तुम्हारी खुद ही मांगने की नौबत आ जाए, थोड़ा सा अपने पास ही रख लेता है, मतलब जितना आता है सब पूरा दे देता है एरोटा को कि जाओ तुम पूरी बॉडी को दियो, लेकिन उसको खुद भी जिंदा रहना है। खुद भी जिंदा रहने के लिए वो अपने पास थोड़ा सा ब्लड रख लेता है, इसीलिए इसको एंड सिस्टोलिक वैल्यूम कहते हैं, मतलब कि एंडिंग में अपने लिए थोड़ा सा ब्लड रख लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ESV क्या है। ESV क्या मतलब कि यहाँ पर पूरा वो करने के बाद, मतलब पूरा फ्लो आउट करने के बाद यहाँ पे कम से कम 3% या 2% ब्लड रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है। ये ESV का मतलब है। और ये यहाँ लिखा है RPVF। RPVF का मतलब जब यहाँ पे तेज से ब्लड आया था, इसके आगे वाले स्टेज में जैसे ये वॉल्व खुला था, यहाँ पे तेज ये पूरा भर चुका था, यहाँ पे तेज से ब्लड आया था, स्पीड में ब्लड आया, तो 80% ब्लड स्पीड में आ गया, ठीक है। 80% ब्लड स्पीड में आ गया, तो ये हो गया हमारा रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, हमारा ESV पहले से था, उसके ऊपर हमारी कौन सी फिलिंग हुई है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग। रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग के थ्रू हमारा 80% ब्लड आ जाता है, ठीक है। अब 80% आ गया, अब ये भी खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया कि ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये खाली हो गया। जब ये खाली हो जाता है तो लंग्स से जैसे ही पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है तो ये धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट पल्मोनरी वेन यहाँ देती है और फिर यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, वॉल्व खुला ही है। एक बात बताइए, जब किसी घर का सपोज दैट ये घर है और ये घर का दरवाज़ा है, अगर यहाँ पे घर का दरवाज़ा बंद है तभी तो आप खटखटाएंगे ना, अगर घर का दरवाज़ा खुला है तो आप सीधे घर के अंदर घुस जाएंगे। उसी तरह है, जब यहाँ पे ब्लड आता है, जैसे यहाँ पे वॉल्व बंद था तो ब्लड यहाँ पे स्टोर होता था, लेकिन जब यहाँ पे वॉल्व खुला है, जब यहाँ पे वॉल्व खुला है तो वो यहाँ पे ब्लड क्यों रुकेगा, रुकने की जगह भी तो होनी चाहिए। जब वॉल्व खुला है वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो सीधे बहते हुए यहाँ पे चला आता है।
तो इसका मतलब ये है जब ये ऐसे लंग से आया, लंग से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आई, पल्मोनरी वेन्स आई, तो पल्मोनरी वेन्स सीधे इसमें आ जाती हैं, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर चलने लगता है, मतलब पाइप लाइन बन जाती है। अगर ये वॉल्व बंद होगा तब यहाँ पे स्टोर होगा, आप ध्यान से समझिए इस बात को। लेकिन वॉल्व खुला हुआ है तो यहाँ पे एक पाइप बन जाता है। पाइप का मतलब आप इमेजिन करिए ना कि दरवाज़ा खुला है तो सीधे साए से घुस जाएगा ना। अब अगर दरवाज़ा बंद होगा तो वो खटखटाएगा, रुकेगा, यहाँ पे वॉल्व बंद है तो वो स्टोर होगा। जब वॉल्व खुला ही है तो वो स्टोर क्यों होगा? अब वो स्टोर होने के लिए उसको सपोर्ट भी चाहिए, पूरा घर का दरवाज़ा खुला है तो चोर लोग आएंगे तो सीधे तो चले जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर ये धीरे 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 इसी में आता रहता है, इसके पूरे भरने का इंतजार करता है। जब ये पूरा भर जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करिए, जब ये पूरा भर जाएगा तभी तो ये यहाँ आपका जो वॉल्व है वो बंद होगा, तो धीरे धीरे भरने का वेट करता है। तो जब ये यहाँ से आएगा तो इसको आने में ये वाला पूरा मतलब समय लगता है। समय का मतलब क्या, प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई होकर के फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, यहाँ आएगा, तो मतलब लंबा लंबा रास्ता तय करना है। लंबा रास्ता तय करने का मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। लॉन्गेस्ट फेज, एक शब्द आता है डाइस्टेसिस। डाइस्टेसिस अगर शब्द आ जाए तो आप ये समझिए इसका, डाइस्टेसिस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज कहाँ पर होता है? स्लो पैसिव फैलिंग फिलिंग। स्लो का मतलब कि देखो धीरे धीरे, पैसिव मतलब कि इसी के द्वारा हो रही, फिलिंग मतलब फिलिंग। तो स्लो पैसिव फिलिंग होती है हमारी, और किस मतलब क्यों स्लो पैसिव फिलिंग होती है? क्योंकि यहाँ पे डाइस्टेसिस होता है। डाइस्टेसिस क्यों होता है या डाइस्टेसिस किसी को किसको कहते हैं? जब किसी भी चीज़ का लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज का मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम लग रहा है, लॉन्ग टाइम का मतलब कि ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसको डाइस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे, जब यहाँ पे फिर हम पहले में आ गए, जब पहले में आ गए कि पूरा फिल हो गया, फिर धीरे 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 फिर ये बंद हो जाएगा, फिर जब बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये प्रेशर बनाएगा, फिर ये मतलब इसमें अगर आप ये 1 2 3 4 5 6 भी अगर आप डायग्राम बना करके एरो कर देंगे तब भी आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। बस मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। वैसे गलत नहीं है, मतलब गलत का मतलब कि ये हमको अच्छे से समझ में, जैसे मैंने अच्छे से समझाया कि पहले 80% आएगा, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग 20% आएगा, फिर इसी तरह आगे फेजेस होते रहेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहां पर भी आपको दिक्कत हो रही है वहां पर आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यहां पे या मुझे इस स्टेज में दिक्कत हो रही है। पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर आइसोवेलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन होता है, फिर स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन होता है, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, फिर रैपिड पैसिव फिलिंग होती है, फिर स्लो पैसिव फिलिंग होती है, और स्लो पैसिव फिलिंग में ही एक डाइस्टेसिस फेज आता है। डाइस्टेसिस फेज का मतलब होता है लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें एक लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ से ब्लड डायरेक्ट आता है। आई होप कि आपको ये फिगर के माध्यम से अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हमने फिगर के माध्यम से समझा कार्डियक साइकिल क्या होता है, अब हम इसको थ्योरी में कवर करेंगे। आई होप कि आपको फिगर अच्छे से ईजिली समझ में आ गया होगा। अब थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रॉयल डेवलपमेंटल। इस लाइन का मतलब कि जो हार्ट बीट का प्रोसेस है या जो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा पूरा कार्डियक साइकिल, ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका एम्ब्रॉयल स्टेज है ना, एम्ब्रॉयल डेवलपमेंट, तभी से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वंस द हार्ट बीट स्टार्ट इट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। जब एक बार हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है तो पूरे लाइफ टाइम तक चलती है। ये कुछ ऐसी बेसिक जानकारी है। इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ मैन इन 1 मिनट द हार्ट बीट अराउंड 72 times। मतलब जब एक इंसान 1 मिनट में 72 बार उसका दिल धड़कता है, धड़कने का मतलब धड़कना वो ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन वो पूरा जो उसका कार्डियक साइकिल है 1 मिनट में 72 times कंप्लीट होता है, 72 beats per minute होता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस 1 मिनट 5 liters ऑफ ब्लड इज पम्प्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है, ये जो हमारा इधर साइड था, ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिया है, 1 मिनट में टोटल 5 liters का हार्ट 1 मिनट में 5 liters ब्लड पम्प करता है, ठीक है, यही इस सेंटेंस में दिया गया है। अब ये एक चेन ऑफ कार्डियक साइकिल, इसमें आप एक ऐसे मतलब जब भी मैंने उससे फिगर से समझाया है उसी को दिया गया है, जैसे ब्लड फ्रॉम वेना कावा फिल्स राइट एट्रियम। जो हमारा वेना कावा आता है वो मतलब जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा होते हैं वो राइट एट्रियम में ब्लड
देते हैं, और ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ब्लड मूव्स टू राइट वेंट्रिकल, फिर हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ठीक है, ठीक है। फिर ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू पल्मोनरी ट्रंक टू लंग्स, इसका मतलब है फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में किस लिए जाता है, फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि अभी ये जो ब्लड है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम लंग टू लेफ्ट एट्रियम, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम से, मतलब लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ब्लड मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व हो जाता है, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू एरोटा टू बॉडी, उसके बाद फिर हमारे एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा में जाता है, फिर होल बॉडी में चला जाता है। तो ये हमारा पूरा कार्डियक साइकिल का चेन है, जो मैंने पहले ही उसमें कार्डियक साइकिल में बताया है, और जो वो जो ब्लड फ्लो मैंने बताया था उसमें भी यही है। तो बस एक बार ऐसे दोबारा मैंने समराइज कर दिया है। फिर द सीरियल विश और सीक्वेंशियल चेंज विच टेक प्लेस इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इसका मतलब ये जो हमारा पूरा वो सर्कल होता है पूरा, जो हमारा मतलब जैसे मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, ये सब पूरे को कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम इज टर्म्ड एज एट्रियम सिस्टोल, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम का उसको एट्रियम सिस्टोल कहते हैं, और जो रिलैक्सेशन होता है, जो रिलैक्सेशन होता है उसको एट्रियम डायस्टोल कहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को एट्रियल डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिस्टोल होना, और रिलैक्स करना मतलब डायस्टोल होना, ठीक है। उसके बाद सेम वे द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब ये रहेगा, नाम चेंज हो गया। अगर एट्रियम में होगा तो एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल, और अगर वेंट्रिकल में होगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज द रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इसका मतलब ये जो हमारा कार्डियक साइकिल का टाइम होता है वो जो हार्ट बीट होती है पर मिनट में उसका रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब उल्टा होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है, वो अभी बता रहे हैं। इफ़ हार्ट बीट पर मिनट इज 72, मतलब एक मिनट में 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है, तो देन द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज 60/72, मतलब कि जो 60 है, ये 60 हमारा एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, 72, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8, मतलब कि 0.8 में हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, और जब आप 0.8 का इंटू 60 में करेंगे, 60 का मतलब कितना हो गया, कि मतलब 60 का मतलब कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब 0.8 का इंटू 60 में करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 72, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके अपोजिट क्यों था, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 0.8 क्यों होता है, 0.8 में एक हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यही लिखा है 60/72 इज इक्वल टू 0.8, ये सॉरी 0.08 नहीं, यहाँ पे 0.8 होगा, ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा, 0.8 है, ठीक है। उसके बाद ये इसके फेजेस, अब हम समझेंगे इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, ठीक है। ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल का मतलब कि जो हमारा एट्रियम होता है वो सिस्टोल करेगा, सिस्टोल का मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द ऑरिकल द रिमेनिंग ब्लड कम्स इन टू द वेंट्रिकल सो दैट ऑरिकल प्रेशर नाउ कम्स जीरो, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एट्रियम है वो सिस्टोल करेगा, सिस्टोल का मतलब कि स्क्वीज होगा, जब स्क्वीज होगा तो जिसमें ब्लड होगा वो आकर के हमारे वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। तो ये वही है कि ड्यूटी कॉन्ट्रैक्शन इन द ऑरिकल द रिमेनिंग ब्लड, जो यहाँ पे जब ये सिस्टोल करेगा कि मतलब ये प्रेशर बनाएगा, जब ये प्रेशर बनाएगा तो पूरा इसमें आ जाएगा, और जब ये पूरा फिल हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल ही पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब किसके अंदर का जो ब्लड है पूरा फिनिश हो जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा, तो नाउ बिकम्स जीरो, ठीक है, ये समझ गए होंगे आपके। फिर है ऑरिकल डायस्टोल, ऑरिकल डायस्टोल का मतलब कि जो वो रिलैक्स करता है, जैसे यहाँ पे प्रेशर जीरो होगा उसके बाद वो रिलैक्सेशन मोड में चला जाएगा, ठीक है। पहले प्रेशर बनेगा, जैसे ही प्रेशर बनेगा जो ब्लड है वो ऑरिकल से वेंट्रिकुलर में आ जाएगा, जब वेंट्रिकल में आएगा तो फिर जो ऊपर वाला ऑरिकल है उसका प्रेशर जीरो हो जाएगा, और ऑरिकल को ही एट्रियम कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू विच प्रेशर इज मोर इन द वेंट्रिकल, इसका मतलब ये है कि जब वहाँ से ब्लड आने लगेगा इसमें और वो फिलिंग हो जाएगा, जब पूरा फिल हो जाएगा, जब हमारा जो है ये वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाएगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए ताकि वो
बाहर जाए, अगर एरोटा में है तो वो फिर वो एरोटा को ब्लड दे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो एरोटा को ब्लड देगा। जैसे ये हमारा इस ये वाला हमने पढ़ा था, फिर ये रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ये ब्लड एरोटा में जाएगा, एरोटिक वॉल्व में प्रेशर पड़ेगा, जब एरोटिक वॉल्व में प्रेशर होगा तो फिर ये एरोटा में जाएगा, ठीक है। तो ये इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर ये पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन ये है जो हमारा रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन है और स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन है, यही है, इसी को कंबाइंड फॉर्म में पीरियड ऑफ इजेक्शन कहते हैं। मैंने फिगर में समझाने के लिए इसको पर एक एक छोटे छोटे स्टेप को मैंने बहुत अलग अलग डायग्राम से समझाया और यहाँ पे मैंने उसी को थ्योरी में कवर कर दिया है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन को ड्यूरिंग द साइकिल व्हेन प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल देन द सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑफ द आर्क्स ओपन एंड ब्लड रैपिडली इंटर्स इन टू द आर्क पुशिंग द वॉल्व ऑन वन साइड। इसका मतलब ये कि जब वो वेंट्रिकल में प्रेशर होगा, जब जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर होगा तो वो ब्लड को इजेक्ट करेगा, इजेक्ट का मतलब कि बाहर करेगा, बाहर कहाँ करेगा, एरोटा में करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इंटर्स इन टू एरोटा एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इंटर इन टू द पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब ये है, आपको मैं एक बात ध्यान करा दूँ कि जो हमारा चैम्बर होता है हार्ट चैम्बर, उस मतलब हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप एक बार ध्यान से समझिएगा, जो एट्रियम होते हैं वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जो वेंट्रिकल होते हैं वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड एरोटा को देगा ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके, और जब ये उसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में देता है ताकि वो लंग्स तक जा सके। तो यहीं पे दिया गया ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इंटर इनटू द एरोटा। इसके यहाँ तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से इंटर करेगा एरोटा में, ठीक है। फिर डी ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। एट द सेम टाइम जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो आप ये समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो सिस्टोल और डायस्टोल का जो फंक्शन होता है वो साथ में होता है, ये नहीं कि ये साथ में नहीं, एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में नहीं करते हैं, हमेशा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल साथ में, सॉरी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ यहाँ पे वेंट्रिकल है, ये दोनों साथ, मतलब ऐसे है कि दोनों भाई साथ में काम करेंगे, दोनों बहनें साथ में काम करेंगी, ये भाई बहन साथ में काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले दोनों साथ में काम करेंगे, नीचे वाले दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं प्रोटोडायस्टोल फेज। प्रोटोडायस्टोल फेज है ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, नाउ द इंटर वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज एंड द रेट ऑफ ब्लड इजेक्शन फ्रॉम द वेंट्रिकल ऑल्सो डिक्रीज। इसका मतलब ये जो मैंने फिगर से समझाया था, जब ब्लड सारा इसमें एरोटा में चला जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, पहले 120 की स्पीड से जाता है, जब 120 स्पीड से चला जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वो 80 पर आ जाएगा, फिर धीरे 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 वो कम होने लगेगा, ठीक है। और जब ये प्रेशर कम होगा तो जो इनके बीच का वॉल्व होगा वो वॉल्व भी कम, मतलब वो वॉल्व भी प्रेशर मतलब धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा। जब किसी पर प्रेशर दिया जाता है, सपोज दैट ये हाथ है, ये वॉल्व है, जब इधर से प्रेशर लगेगा तभी ये ओपन होगा, अगर इधर से प्रेशर नहीं लगेगा तो वो ऐसे जॉइंट रहेगा, तो ये वही कह रहा है, ठीक है। फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब है व्हेन ड्यू टू द ब्लड इजेक्शन द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल डिक्रीज। जब ब्लड इजेक्ट हो जाएगा मतलब बाहर चला जाएगा तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज का मतलब कम हो जाएगा, एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, मतलब कि इनसाइड आर्टरी जब जैसे ही बाहर को ब्लड जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब धीरे 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 फिर प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है, वही है। द ब्लड स्टेप्स मूविंग आउट एंड द वेंट्रिकल प्रिपेयर फॉर रिलैक्सेशन। जब ब्लड बाहर चला जाता है तो वेंट्रिकल फिर रिलैक्स होने की तैयारी करने लगता है, मतलब कि ऐसे ही जब उसका काम खत्म होगा, वेंट्रिकल का काम क्या होता है, मेनली ब्लड को पंप करना, वो रिसीव करता है एट्रियम से और वो अपने पास रख करके उसको पंप करता है, और जब वो पंप कर देता है बस उसका काम ही है ब्लड को पंप करके फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर ब्लड को पंप करेगा फिर रिलैक्स हो जाएगा। और फिर है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग नाउ ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम
फॉल्स फर्दर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व. इसका मतलब यह, डायस्टोल का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलैक्सेशन होता है, आप फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, आराम से रिलैक्स करेगा और फिर वो अपने फिल होने का वेट करता है कि धीरे 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 वो फिल होगा और जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो भी क्लोज हो जाएगा. क्लोज हो जाएगा मतलब कि अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा तो आराम से बंद, जब वो बंद रहेगा तभी तो धीरे धीरे फिल होता रहेगा. ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर डायस्टोल फेज है. ठीक, और हम साथ में कवर कर लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट कैसे साउंड करता है, लब और डब. ठीक है, ये हार्ट के साउंड. फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल जितने फेज में होता है वो सब हमने कवर किया है और डायग्राम और थ्योरी के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश करी है. अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगी और इसको और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी. और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वो कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको भी मैंने बहुत ईजी वे में समझाया था. तो फ्रेंड्स, आज हमने कार्डियक साइकिल कम्प्लीट किया है. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती वो क्या होती हैं, और ब्लड वेसल्स और वेन्स और आर्टरी पढ़ेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.